लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है हसद तो नहीं करनी चाहिए कभी। हर एक सोनिया को बेहद पसंद करता है क्योंकि वो बहुत अच्छी तबीयत की है। वो अपनी सहेलियों की कामयाबी पर ना सिर्फ खुश होती बल्कि उनकी खुशी में शरीक भी होती है मुबारकबाद देकर। और कभी किसी की कामयाबी पर हसद तो बिल्कुल भी नहीं। वो कभी इस वक्त अपने छोटे बहन भाइयों से हसद नहीं करती जब उसके वालदैन उन छोटे बहन भाइयों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और उस वक्त तो बिल्कुल भी हसद नहीं करती जब उसके अम्मी जान उसके छोटे बहन भाइयों से ज़्यादा लाड प्यार करती हैं और उनसे ज़्यादा खेलती। बहुत सारे दोस्त और सहेलियां हैं, वो इस वक्त भी किसी तरह की हसद में मुब्तला नहीं होती जब वो सारे दोस्त मिलकर खेलते हैं लेकिन उसको अपने खेल में नहीं शामिल करते हैं। वो इसमें हसद करने के बजाय तालियां बजाकर उस खुशी में शामिल हो जाती है। क्या ये अच्छी बात नहीं? सोनिया इस वक्त तो बिल्कुल बुरा नहीं मानती जब उसके वालदैन दूसरे बच्चों से उसका मुकाबला करते हैं। और क्योंकि वो जानती है कि अल्लाह मियां ने हर बच्चे को अलग अलग सलाहियतें और खूबियों से नवाजा है, लिहाजा भला इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ये तो अल्लाह मियां का काम है और अल्लाह मियां जो भी करता है बिल्कुल ही ठीक होता है। बहन नए कपड़े पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। सोनिया इससे बेहद खुश होती है और उसकी तारीफ करती है कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो और उससे हसद तो बिल्कुल नहीं करती। सोनिया की सहेलियां भी बहुत ज़हीन हैं, वो इनसे बिल्कुल भी इस बात पर हसद नहीं करती बल्कि किसी मुश्किल में या किसी सवाल के हल करने में दुश्वारी हो तो वो अपनी उन ज़हीन सहेलियों से मदद लेती है। जान से बेहद मोहब्बत है, उनको भी इससे बहुत मोहब्बत है। वो हर वक्त अपनी अम्मी जान के साथ रहना पसंद करती है लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल भी हसद नहीं करती जब अम्मी जान उसे छोड़कर उसके छोटे भाई को गोद में उठा लेती हैं। आखिर वो भी उसका छोटा भाई ही तो है। सोनिया की एक बहुत अच्छी आदत भी है, बताओ कौन सी भला।